हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि फास्ट लेवल अप हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका लेवल बहुत तेज़ी से आगे बढ़े तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। पर सबसे पहले आज दशहरा है, इसलिए मैं आपको और आपके पूरे परिवार को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। और उसके बाद अब पॉइंट पर आती हूँ कि हम लेवल को अप करना चाहते हैं तो किस तरीके से बढ़ाएंगे। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हमें ऐसी फसलें लगानी चाहिए जो कि बहुत जल्दी उगती हों, जैसे कि वीट। मैंने आप देख सकते हैं कि मेरी फील्ड में मैंने वीट लगा रखा है, तो आप देखेंगे कि जब मैं इस वीट की कटिंग करूंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। देखिए, आप देखिएगा। और इसके साथ ही हमें साइलो या बांध को इंक्रीज करने का सामान भी मिलता रहता है, तो आपका दोनों पर्पज़ सॉल्व हो जाएंगे। आपको इसका मटेरियल भी मिलता जाएगा और आपकी जो है वो मिलती जाएगी। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि जब आप, अगर आप दिन में एक घंटा भी फ्री रहते हैं तो तेज़ी से वीट लगा करके इसकी फसल को, क्योंकि इसकी फसल दो मिनट में ही कंप्लीट हो जाती है, तो आपके लिए, आपको इसके लिए टाइम चाहिए होगा। तो आप अगर फ्री बैठे हों तभी इस वीट की फसल को लगातार लगाते रहें और करते रहें। अगर आपके पास थोड़ा, आपको लगता है कि टाइम की कमी है, तो आप दूसरी फसल जो है, जो कि थोड़ी सी लेट लगती है, वो उसको लगा सकते हैं। और नहीं तो वीट, कैरेट और कॉर्न, इन फसलों के द्वारा आप इसकी अपनी एक्सपी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरा काम ये कर सकते हैं, आपका प्रोडक्शन जो है, अगर आप उसको तेज़ कर लें। देखिए, मैंने जैसे ये यहाँ पे ये इन सब चीज़ों का, ये कैरेट जूस है, ये सारे जूस का, इसके ब्लॉक्स भी ज़्यादा खोल रखे हैं, इससे ज़्यादा चीज़ें मैं बनेंगी तो उनको, उससे मुझे पॉइंट भी ज़्यादा मिलेंगे। ये देख सकते हैं आप, मैंने सभी जगह पर ये, तो अगर आप इसका प्रोडक्शन बढ़ाते रहेंगे तो इससे भी आपका जो है वो लेवल तेज़ी से आगे बढ़ता है। तीसरी और बात ये भी हम कर सकते हैं कि अगर आप, जैसे आपने देखा होगा, आप जानते होंगे इस बारे में कि हमारे पास कुछ बूस्टर कार्ड होते हैं। देखिए, जैसे ये बूस्टर कार्ड के बारे में मैंने बताया कि मेरे पास जैसे ये तीन बूस्टर कार्ड है। अभी फसल को फास्ट ग्रो करने का मेरे पास बूस्टर नहीं है, उसको अगर हम लगाएंगे तो हमारी फसल तेज़ी से, जैसे टमाटर की फसल है जो कि 6 घंटे में होती है, अगर आप बूस्टर कार्ड लगा देंगे तो वही फसल जो है वो 4 घंटे में तैयार हो जाती है, तो इसका ये फ़र्क मिल जाता है। इसी के अलावा प्रोडक्शन मशीन जो है उसमें भी अगर कोई कार्ड लगा देंगे तो जो चीज़ हमें 16 घंटे में या 12 घंटे में बन रही थी, उसका वो थोड़ा जल्दी बनने लग जाएगी, जल्दी बनेगी तो हम उसको जल्दी उसको कलेक्ट करेंगे, उससे हमारी एक्सपी बढ़ेगी। तीसरी बात हम एक ये भी कर सकते हैं, अगर हमारा लेवल हमें तेज़ी से बढ़ाना है तो, कि आप जो बोट है उसको फील करें। देखिए, ये बोट है, इसका अगर आप एक ये फील करते हैं तो देखिए 320 हमें स्टार मिलेंगे और 332 जो है वो हमें रुपए मिलेंगे। अगर मैं ये सारा कंटेनर फील कर देती हूँ और बोट रवाना करती हूँ तो मुझे इससे भी काफ़ी वो मिलती है, सपोर्ट मिलता है कि मैं अपने लेवल को जो है तेज़ी से आगे बढ़ा सकती हूँ। एक चीज़ और भी हम कर सकते हैं जिससे हमें और फ़ायदा मिलता है इसमें, वो ये है कि हम एनिमल्स खरीदें। देखिए, आप इसे मैंने ये खरीद रखे हैं, हॉर्सेस खरीद रखे हैं और डॉग और कैट खरीद रखे हैं। इसको हम जब फीड, जब भी हम फीड कराते हैं तो उससे भी हमें चीज़ें मिलती हैं। इसके जरिए भी हम अपनी एक्सपी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप कैलेंडर जो है उस पर उसको देखते रहा करिए। आपको पता ही होगा कैलेंडर हमें यहाँ पर से दिखता है, ये आपने न्यूज़ का स्टार्ट किया, इसमें आप देखिए ये दिख रहा है कैलेंडर, जिसमें आप देख सकते हैं अभी वीक 41 चल रहा है, जो कि स्पेशली एक्सपी वीक है। अगर आपको जब पता लगे कि एक्सपी वीक चल रहा है और तो आप अपने बान के अंदर मैक्सिमम सामान कलेक्ट करके रखिए, और अगर ट्रक ऑर्डर जैसे ही आता है 2x XP का, तो आप मैक्सिमम ट्रक को रवाना कीजिए। इससे आपका जो है वो एक्सपी बढ़ेगी, और एक्सपी बढ़ेगी तो आपका लेवल तेज़ी से ग्रो करेगा। देखिए, इस वाले कैलेंडर में आपको दिख रहा है कि मंडे टू ट्यूसडे जो है वो ट्रक ऑर्डर इवेंट है 2x XP। तो मैंने भी मेरा बान अभी फुल कर रखा है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने जो है मैक्सिमम ट्रक जो है वो रवाना कर सकूँ ताकि मेरा लेवल तेज़ी से बढ़े। इसके अलावा आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वीक ही पूरा एक्सपी का है, तो वेडनेसडे टू फ्राइडे में जो है बोट इवेंट है, तो आपको ये तैयारी करके रखनी चाहिए कि बोट में मैं मैक्सिमम उसको फील कर सकूं। आप, मैंने जब आपको अभी ये कार्ड दिखाया था तब आप बताया था कि देखिए मेरे पास ये कार्ड है, तो मैं या तो बोट, अब ये अगर मैं जब बोट इवेंट आएगा तब मैं ये बोट वाला कार्ड लगा दूंगी, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि 20%
जल्दी फास्टर हम उस बोट को बुला सकते हैं, या फिर मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि इस बोट में से एक ब्लॉक जो है वो आप देख रहे हैं इस कार्ड के अंदर कि एक ब्लॉक भरा हुआ है, तो इन दोनों में से मैं उस समय ही चूज़ करूँगी कि मुझे किस तरह का कार्ड जो है वो यूज़ में लेना है, और जितना तेज़ी से मैं बोट को फील करूँगी तो मेरा एक्सपी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो फ्रेंड्स आप भी अब समझ गए होंगे कि इस तरीके से हम एक्सपी अगर तेज़ी से बढ़ाएंगे तो हमारा लेवल जो है बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता जाएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।